कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गांधी समाधि पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा हयात और बाबा निजात गेट का नामकरण किया। अब इन गेटों को साहबजादा कर्नल यूनुस और कर्नल राफिक खां के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद उन्होंने गांधी समाधि पर गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। रामपुर में सारे गेटों के नाम और मुमताज पार्क का नाम बदला जा रहा है, क्या है पूरा? देखिए, हम बदल कुछ नहीं रहे हैं। एक यहाँ पे एक तो रामपुर की जो पिछले कुछ समय से काफ़ी पहले जो जो चीज़ें रामपुर की पॉजिटिव हैं वो बहुत कम लोगों के बीच में गई हैं। तो एक हमने बल्कि मुहिम चलाई हुई है कि रामपुर हिस्टोरिकल मामले में, ऐतिहासिक मामलों में बहुत ही समृद्ध जगह रही है और इसके जो अगर देखें कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्री को काफ़ी रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। उन सारे लोगों को याद करते हुए और उन सारे लोगों के लिए हमने एक निर्णय लिया, सारे लोगों से मशवरा करके, इवन जनप्रतिनिधियों से भी मशवरा करके, कि उन लोगों का नाम वहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली हमने पहल की गांधी समाधि के बगल में शहीद स्मारक, जिसका निर्माण जो निर्माणाधीन है उसको करके, और उसके बाद साहिबजादा कर्नल यूनुस खान, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा और जिनको बहुत जिनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है यहाँ के लोगों के लिए, उन्होंने देश को अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। मेजर राफिक खान, जिन्होंने अब जो शहीद हो गए देश की रक्षा में ही, और मौलाना अर्शी, जो कि रजा लाइब्रेरी में आजीवन वहाँ पे लाइब्रेरियन रहे, ये ऐसे सारे लोगों को, मौलाना आज़ाद जो कि यहाँ पहले सांसद रहे, इन सारे लोगों का की याद में जो सारे गेट्स हैं जो नए बने हुए, जिनको होना चाहिए था उनकी याद में, वहीं पे हम उनका नाम लिख रहे हैं। तो हम अभी बदल कुछ नहीं रहे हैं, उनकी याद में हमने उन गेटों पर उनका नाम लिखवाया है, ताकि हमारे जो रामपुर को के निर्माण में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने रामपुर की तरफ से देश में के निर्माण में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया या देश की रक्षा में कोई अपना योगदान दिया, उनको रामपुर याद करे। गांधी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी और किसानों द्वारा कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द किसानों की समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अन्नदाता हमारे लिए हमेशा श्रद्धा के पात्र हैं और मोदी जी ने हमेशा जो हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषक प्रधान देश बनाने के दिशा में काम किए हैं। आप शुरू से देखें, इस सरकार को 6 साल से ज्यादा हो रहा है, चाहे बजट दोगुना करने की बात हो रही हो, चाहे किसान को सम्मान निधि देने की बात हो रही हो, चाहे किसानों के फसल के बीमे की बात रही हो, चाहे बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की बात रही हो, चाहे हर खेत तक पानी पहुंचे और बिजली पहुंचे उस दिशा में बात करने की बात हो रही हो, एक लंबी श्रृंखला है कि किसानों और कृषि को मेरा गांव, मेरा देश, मेरे खेत, मेरे खलियान को प्राथमिकता देकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम किया। हमारे देश के किसान भाइयों को शायद किसी ने कंफ्यूजन पैदा किया हो या किसी ने कंफ्यूज किया होगा, वो दूर होगा और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई हुई, उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने शहादत दी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो रामपुर के पहले सांसद थे, शिक्षा मंत्री थे, आज़ादी की लड़ाई के अग्रणी सेनानी थे, उनका कहीं भी जिक्र नहीं था। देखिए, रामपुर शहर किसी के बाप का शहर नहीं है। जो जिसने जब जिसका समय आया उसने अपना वो नाम उसको अपने पिता के नाम पे, अपने भाइयों के नाम पे या अपने खुद के नाम पे, चाहे वो पार्क हो या गेट हो, उसके नाम पे रख लिया। जिस तरीके के जो यहाँ पहले जो काम किए गए हैं उसको बदला जाएगा और जो मुमताज़ पार्क इन्होंने अपने जो पिता के नाम पे बनवाया था उसको मैंने मांग की है जिलाधिकारी से कि उसको तुरंत उसका नाम बदला जाना चाहिए। तो रामपुर के पहले सांसद और पहले शिक्षा मंत्री रहे अबुल कलाम आज़ाद साहब, उनसे अच्छा शायद कोई नाम हो नहीं सकता। हमने मांग की है कि उस पार्क का नाम उनके नाम पर रखा जाए। नामो निशान नहीं था, अब वक्त ख़त्म हो गया है जब वो खानदानी सियासत और पांदानी विरासत चलती है। अब खानदानी सियासत और पांदानी विरासत के दिन लग चुके हैं। अब जो है, गांव गरीब कमज़ोर, किसान कमज़ोर तबके, और साथ ही साथ वो चाहे महात्मा गांधी हों या पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों,
उनकी सैद्धांतिक प्रतिमा थी वो शुद्ध रूप से खानदानी सियासत और पांडनी विरासत उनके खिलाफ थी। इसलिए आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। पंचायत से पार्लियामेंट तक देखें, लोगों का बहुत ही जबरदस्त सहयोग मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रहा है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो रामपुर के पहले संसद सदस्य थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, बहुत अफसोस की बात है कि रामपुर के आज़ादी के बाद जो पहले संसद सदस्य रहे हों, देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हों और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानियों में से रहे हों, उनका नामो निशान कहीं नहीं था। बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार, रामपुर के प्रशासन ने एक बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से इस पार्क का नामकरण किया गया है।